Hello everyone, welcome back to All India Engineers Academy. You know I am Aman Roy and today we will study 2-stroke and 4-stroke engine in Hindi and English. Basically, बहुत सारा request आया कि automobile से related problems पे videos बनाओ और मेरे videos बहुत सारे diploma के students भी देखते हैं. आप diploma के हो या फिर engineering के, 2-stroke और 4-stroke engine जो है बहुत ही ज़्यादा important है both of you. So let's start 2-stroke and 4-stroke engine. The first basic difference is that it consists of valves. Here you can see it consists of two valves. 4-stroke engine जो है दो वॉल्व कंजिस्ट करते हैं और 2-stroke engine जो है पोर्ट्स कंजिस्ट करते हैं. जब हम 2-stroke पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं. बेसिकली पहले आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए कि आप पहले 4-stroke के बारे में देखिए. यहाँ पे जो है वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व, जो कि फ्यूल मिक्सचर को जो है इनलेट करता है. इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व जो होता है बर्न गैसेस को बाहर निकालता है. ठीक है, पहला बेसिक डिफरेंस वॉल्व और पोर्ट्स के हो गए. आप रनिंग कंडीशन में आप वॉल्व्स को देख सकते हैं, हमारा इनलेट और आउटलेट वॉल्व कैसे खुल रहा है और बंद हो रहा है. बेसिकली हमारा जो इनलेट और आउटलेट वॉल्व होता है कैम से कनेक्टेड रहता है, जिससे इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम मैनेज किया जाता है. चलिए देखते हैं कैम कहाँ पे लगा हुआ है. यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैम लगा हुआ है, जो कि जिससे कि हमारा इनलेट और आउटलेट वॉल्व जो है दोनों ऑपरेट हो रहा है. यहाँ पे देख रहे हैं आप मूवमेंट हो रहा है और जिससे कि वो हमारा कंट्रोल किया जा रहा है, इनलेट और आउटलेट वॉल्व. 4-stroke इंजन ये सोच करता है कि हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट जो है हमारा, इसका 2 revolution कंप्लीट 1 power stroke. इसका जब हमारा क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमेगा तो हमारा जो है 1 cycle कंप्लीट होगा. क्रैंकशाफ्ट अगर हमारा 2 बार घूमेगा तो हमारा पिस्टन जो है अप एंड डाउन वर्टिकल डिस्टेंस पे मूव करेगा 4 बार. 4 बार मूव करेगा 4-stroke, 4 बार मूव करेगा तो 1 cycle कंप्लीट होगा. अब मैं 2-stroke इंजन का कट सेक्शन दिखाने से पहले दोनों में जो कुछ सिमिलैरिटीज होती है वो सिमिलैरिटीज बता देता हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लाईव्हील है. फ्लाईव्हील बोथ इंजन कंसिस्ट ऑफ फ्लाईव्हील. लेकिन 4-stroke में क्या होता है, हैवी फ्लाईव्हील की जरूरत होती है और 2-stroke में क्या होता है, हमारा लाइट फ्लाईव्हील की जरूरत होती है. ये मल्टीप्लेट क्लच है. क्लच का काम आपको पता है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा क्लच का बेसिक प्रॉपर काम क्या है, कैसे वर्किंग करता है. ये डिफरेंस है तो मैं सिर्फ ओनली डिफरेंस बताऊंगा आपको. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं गियर बॉक्स है. यहीं से बाय एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग द गियर वी मैनेज द स्पीड ऑफ द इंजन. इंजन को जब स्पीड बढ़ाना होता है, घटाना होता है, जब आप गियर्स चेंज करते हैं फर्स्ट गियर सेकेंड गियर, तो वो यहीं से होता है और उसी की वजह से चेंज होती है स्पीड. ये तो था 4-stroke इंजन के बारे में. अब चलिए हम 2-stroke का कट सेक्शन देखते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उनमें और इनमें डिफरेंस है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है 2-stroke इंजन का कट सेक्शन है और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पोर्ट कंजिस्ट करते हैं, इसमें वॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, तो चलिए आपको पोर्ट दिखाते हैं, एक्चुअली पोर्ट है कहाँ पे. यहाँ पे 3 पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट और आउटलेट पोर्ट. तो देखते हैं पहला, ये जो है हमारा ट्रांसफर पोर्ट है. यहाँ देख रहे हैं पोर्ट एक यहाँ पे है, एक पोर्ट हमारा पिस्टन को मूव कीजिए पीछे, यहाँ देखिए एक पोर्ट हमारा यहाँ पे कंजिस्ट कर रहा है और एक पोर्ट जो है हमारा वहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा यहाँ इस साइड में, यहाँ पे एक पोर्ट अदर है. ठीक है, 2-stroke इंजन, 2-stroke यानी स्ट्रोक जब भी होगा पिस्टन का होगा. 2 movement ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पिस्टन कंप्लीट ऑफ साइकिल, यानी कि हमारा क्रैंक शाफ्ट जो है एक बार घूमेगा. ईच एंड एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट कंप्लीट अ साइकिल, मतलब हमारा जो वर्टिकली पिस्टन मूव कर रहा है वो 2 बार मूव करेगा और हमारा क्रैंक शाफ्ट जो है, हमारा क्रैंक जो है एक बार घूमेगा तो 1 cycle कंप्लीट होगा. अब मैं सिमिलैरिटीज बता रहा हूँ इसमें क्या है. मैंने उसमें दिखाया था कि फ्लाईव्हील है उसमें, इसमें आल्सो फ्लाईव्हील, इट आल्सो कंसिस्ट फ्लाईव्हील. और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कटा हुआ, ये मैग्नेटो है. मैग्नेटो जब फ्लाईव्हील घूमती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारा गाड़ी का बैटरी होता है, बैटरी चार्ज होता है. और सबसे पहला बेसिक फंक्शन क्या है, स्पार्क प्लग को एनर्जी पावर यहीं से मिलता है, इसी इलेक्ट्रिसिटी से. और उसमें भी मैंने आपको गियर बॉक्स दिखाया था, तो इसमें भी गियर बॉक्स देख लीजिए. मैं इसका फंक्शन नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सकेगा तो मैं गियर्स का पूरा, टाइप्स ऑफ गियर्स,
और गियर बॉक्स असेंबली और सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा, आप सिर्फ देख लीजिए इसको बेसिक। फोर स्ट्रोक इंजन में आपने देखा था कि मल्टीप्लेट क्लच है, और इसमें भी आप देख सकते हैं टू स्ट्रोक इंजन, इसमें भी मल्टीप्लेट क्लच लगा हुआ है। ओके फाइनली इट्स कंप्लीटेड। और मैं आपको कुछ बेसिकली थियोरिटिकल डिफरेंस बता देता हूँ जो कि आप इंजन में नहीं देख सकते हैं, उसका कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हैं। इंजन डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द वॉल मैकेनिज्म। बेसिकली जो होता है, मैंने आपको बताया फोर स्ट्रोक इंजन में वॉल मैकेनिज्म होता है, इसलिए इंजन डिजाइन जो है इसका टू स्ट्रोक के इंजन में कंपेयर करें तो मुश्किल होता है, थोड़ा हार्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेस मैकेनिकल एफिशिएंसी ड्यू टू मोर फ्रिक्शन ऑन मैनी पार्ट्स, इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन के, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है फोर स्ट्रोक इंजन की कम हो जाती है। लेकिन जब हम कंपेयर करें टू स्ट्रोक इंजन से, तो टू स्ट्रोक इंजन का जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी फोर स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा होता है, और थर्मल एफिशिएंसी जो होता है फोर स्ट्रोक इंजन का ज़्यादा होता है, और टू स्ट्रोक इंजन का जो थर्मल एफिशिएंसी होता है वो कम होता है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि फ्यूल कंजप्शन को लेके, बेसिकली हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, तो फोर स्ट्रोक इंजन में जो फ्यूल कंजप्शन बहुत ही कम होता है कंपेयर टू टू स्ट्रोक इंजन, क्योंकि इसमें फ्यूल की बर्निंग बहुत अच्छे तरीके से होती है और फ्यूल पार्टिकल्स जो है अनबर्न नहीं रहते हैं। और टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि फ्यूल का बर्निंग सही से नहीं हो पाता, बहुत सारे पार्टिकल जो है अनबर्न रह जाते हैं, इसके कारण हमारा थर्मल एफिशिएंसी टू स्ट्रोक इंजन का कम होता है। फाइनली दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको पहला काम ये करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा, आपको मेरे वीडियो में क्या कमी लगी, क्या अच्छा नहीं लगा, आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। Thank you so much.